अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आज के वेबिनार का आगाज़ करते हैं। मैं PhD की तरफ से तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये वेबिनार लेमन एंड लाइम कल्टीवेशन इज पाकिस्तान क्रॉप मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लीमू है वो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है और ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मोस्ट प्रोबेबली उगाया जाता है। लेकिन इसकी पैदावार पंजाब के कुछ इलाकों में बहुत अहमियत की हामिल है, जैसा कि मुल्तान, रहीमयार खान, गुजरांवाला, गुजरात। इसकी पैदावार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं। इसके अलावा ये सिंध और KPK में भी काश्त किया जाता है। लीमू की मकबूलियत और इसकी मुसलसल बढ़ती हुई मांग की वजह से दुनिया में इसकी काश्त फैल रही है, लिहाजा पाकिस्तान में भी लीमू की काश्त को वसत देने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। ताहम लीमू की एक मुनाफा बख्श सनत का इंसार इसकी दरख्तों की पैदावारी सलाहियत पर है। इसी सिलसिले में हमने जनाब डॉक्टर अजहर साहब को दावत दी है कि वो इस पर रोशनी डालें। लेकिन मैं इससे पहले PhD के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन के बारे में। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो TDAP के तहत अपने फ्लाइज सर अंजाम दे रही है। जो PhD का मेन पर्पज है, जो इसका मकसद है, वो ये है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना और इसमें हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और हॉर्टिकल्चर में इसकी तादाद को बढ़ाना और इसमें $1 बिलियन क्लब में शामिल करना। जो इसका मकसद है वो ये है कि हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन करें और इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो ये हम रोज वेबिनार का आगाज करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो इसकी हमने सिट्रस पे ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, क्योंकि लेमन जो है वो सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये हमारे स्टेक होल्डर ने क्यूरी की थी, तो वो तो सीधा भी बह के करता मातरा। उस पे हमने ये एक वेबिनार रखा है। मैं आपको अभी ये बताना चाहूँगा कि सिट्रस पे हमने अभी तक क्या काम किया है। कोई भी प्रोडक्ट हो, उस पे हम 5 4 से 5 वेबिनार करते हैं, उसकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे, उसकी वैल्यू एडिशन पे, उसकी हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे। और अभी हमने सिट्रस पे 2 फिजिकल एक्टिविटीज भी लास्ट ईयर की सरगोधा यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, एक वर्कशॉप की गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे और एक एंड ऑफ सीजन सेमिनार किया हमने सिट्रस पे सरगोधा हब में जाके सरगोधा यूनिवर्सिटी वालों के साथ। जो आज का हमारा वेबिनार है वो लेमन पर हम मुनक्किद करा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टेक होल्डर्स की क्यूरी थी कि लेमन पर भी आप एक वेबिनार करवाएं, तो हमने इसको ऑन बोर्ड लिया है। तो इस वजह से आज लेमन पे एक वेबिनार हमने करवाया है। अब इसके बाद मैं कावल दीन साहब को दावत दूंगा कि वो PhD के रोल पर बात करें। थैंक यू सर। शुक्रिया जुल्फिनैन। सबसे पहले जी सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं खुश आमदीद कहूँगा आज के इस वेबिनार में। हसबे ममूल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स के ऊपर, उनके ज़रूरियात के मुताबिक, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम्स का इनका करते रहें जिनसे उनको फ़ायदा हो। सिंध से हमें कुछ सिट्रस के स्टेक होल्डर्स की तरफ से लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमें डेडिकेटेडली लेमन के ऊपर काम एक वेबिनार या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो इसलिए आज हमने रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर अजहर साहब को कि वो लेमन की टेक्नोलॉजी और उसके प्रोसेस जो हैं उसके ऊपर हमारे साथ बात करें। PIDC के बारे में आप लोग सारे बहुत कुछ जान चुके हैं। जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो यही है कि बेसिकली हेलो जी, बेसिकली हम लोग जो इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि आप लोगों तक एक्सपर्ट्स की जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो उनके पास नॉलेज है प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी वैल्यू चेन के ऊपर, आप लोग उसको समझ सकें और उसको अडॉप्ट करके अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं और जो क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस है उसको बेहतर कर सकें। जो लेमन है बेसिकली ये फॉल करता है सिट्रस फैमिली के अंदर, और अगर देखा जाए तो सिट्रस फैमिली की ओवरऑल जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम है, मिलती जुलती चीज़ें हैं।
तो आज के इस इवेंट के अंदर अगर लेमन के अलावा कुछ और भी काश्तकार हैं जिनका ताल्लुक किन्नू के साथ है, जिनका ताल्लुक मौसमी के साथ है, जिनका ताल्लुक फ्रूटर के साथ है, ग्रेप फ्रूट के साथ है, या बाकी जो सिट्रस की मैंडरिन की या ऑरेंजेस की वराइटीज हैं, वो भी इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि बेसिकली जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस होंगी, वो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि 90% सेम है। तो इसलिए ये आज का जो इवेंट है, ये सिट्रस के रिलेटेड जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो सिंध से हैं, चाहे उनका ताल्लुक सिंध से है, चाहे साउथ पंजाब से है, चाहे सेंट्रल पंजाब से है, वो ज़रूर आप इसको सुनिएगा। और इस वेबिनार के इख्तिताम पे आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा कि आप अपने सवालात कर सकें, और आपको कोशिश करेंगे कि जो रेलेवेंट सवालात होंगे हम उनके जवाब भी देंगे। मेरी गुजारिश ये होगी कि अपने आप को म्यूट रखिएगा, और अगर आप लोगों के पास पास कुछ आइडियाज हैं, कुछ प्रपोजल्स हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमें ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि जो लेमन का जो प्रोडक्शन का डेटा है वो सरकारी अदादोशुमार के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर कोई लेमन के यहाँ पर ग्रोअर्स हैं या काश्तकार हैं या स्टेक होल्डर हैं, वो हमें जरूर बताएं कि उनके एरियाज में लेमन की कल्टीवेशन का क्या स्टेटस है, क्या इसका रुझान बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या वहाँ पे वैसे का वैसे ही रुका हुआ है। अगर इसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर्स की बात करें, तो पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल से इसकी इम्पोर्ट्स नहीं की, जबकि इसकी थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स हमें नजर आती हैं, खासतौर पर अफगानिस्तान और कुछ मिडल ईस्ट एरियाज के अंदर। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है विद द टाइम, क्योंकि कुछ साल पहले हम लोग इसको इम्पोर्ट करते थे अपनी जो डोमेस्टिक जरूरियात है हमको पूरा करने के लिए। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि क्योंकि सरकारी अदादोशुमार के अंदर लेमन की प्रोडक्शन का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपके पास लेमन का क्या स्टेटस है, आपके इर्द गिर्द लोग लेमन की काश्त बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। आज के वेबिनार के अंदर डॉक्टर अजहर साहब आपको इसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर गाइड करेंगे कि इसको कल्टीवेट कैसे करना है, किस मौसम में करना है, नर्सरी कहाँ से आपने लेनी है, पौधों की हिफाजत कैसे करनी है, पेस्ट या डिजीजेस को मैनेज कैसे करना है, न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज करना है, और अच्छी पैदावार आपने कैसे हासिल करनी है। ये सारी चीजें आपके साथ डायरेक्ट रेलिवेंट है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिसेस को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक ना तो आप क्वालिटी को बेहतर कर सकेंगे, ना अपनी यील्ड को बेहतर कर सकेंगे। और ये सारा का सारा काम फार्मर्स ने करना है, ये डायरेक्ट फार्मर के कंट्रोल में है। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप एक्सपर्ट्स की हदायत को समझ लें। मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये बात किया करता हूँ कि पौधे भी इंसानों की तरह ही बातचीत करते हैं, पौधे भी इंसानों की ही तरह बिहेव करते हैं। जरूरत सिर्फ उनको उनकी मुहरकात को समझने की है, जरूरत सिर्फ उनकी परेशानियों को, उनके मसाइल को, उनकी खुशहाली को समझने की है। तो इस फिनोलॉजी का साइकिल जो आज डॉक्टर अजहर साहब आपके साथ शेयर करेंगे, इसको प्लीज समझिएगा, नोट करिएगा चीज़ों को, और इस वेबिनार के बाद आपके जितने भी सवालात होंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप वो सवालात पूछें, और आपको इंशाल्लाह उनके जवाबात भी हम लोग फ्राहम करेंगे। और किसी एक्सपर्ट की अगर इसके अंदर कोई इनपुट हो, तो उससे भी मेरी गुजारिश होगी कि वो अपने इनपुट जरूर दे रिगार्डिंग कोई भी मैटर, जो ऐसा मैटर जिसको आपको लगता हो कि डॉक्टर अजहर साहब ने बात तो कंप्लीट की, लेकिन अगर आपको लगता हो कि कोई ऐसी बात जो जरूरी आप समझते हो, तो वो भी आप शेयर करिएगा। मैं अभी गुजारिश करूंगा डॉक्टर अजहर नवाज साहब से। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी खालिद साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ, जी डॉक्टर साहब, प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे या मैं यहाँ से शेयर कर दूं? मैं शेयर करता हूँ, मुझे आप काइंडली स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करते हैं। जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, आप प्लीज थोड़ा सा इसको, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। जी, मैंने कर दिया अलाउ। जी थोड़ा सा सर या तो माइक करीब कर लीजिएगा, या आप, जी अब ठीक है। जी मैंने कर लिया हुआ, माइक करीब कर लिया हुआ। खबर साहब, आपको जी, स्क्रीन नजर आ रही है? नजर आ रही है। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम खावर साहब, जुलकरनैन साहब, मोहतरम अतर खोखर साहब और PhD टीम का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे जो है इस अहम टॉपिक पे बात करने का, आप लोगों से मुखातिब होने का मौका फ्राहम किया। तो मुझे जो जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे आज बात करनी है, वो लेमन और लाइम से रिलेटेड है। इसकी क्रॉप मैनेजमेंट, इसमें चैलेंजेस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल हैं। इसकी तो कल मैंने बड़ी शिकायत लगा दी है साहब को।
मैंने अपनी टॉक को जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ इंट्रोडक्शन लेमन और लाइम्स का, उसके बाद जो है क्रॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें, फिर चैलेंजेस क्या हैं और हमारे पास लीमू के हवाले से, लेमन और लाइम्स के हवाले से अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और फिर हम अख्तितम की तरफ पहुँचेंगे। तो जैसा कि खावर साहब फरमा रहे थे, सिट्रस की पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये लीडिंग फ्रूट क्रॉप है और लेमन लाइम उसी सिट्रस से ही, सिट्रस ग्रुप से ही ताल्लुक रखते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो लिवलीहुड का, लोगों को रोजगार मुहैया करने का, लोगों की अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि फार्मर्स हैं, कंट्रेक्टर्स हैं, होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, और काफ़ी सारी हमारी जो वर्क फोर्स है, लेबर है, उनको भी सिट्रस के थ्रू जो है वो रोजगार मुहैया होता है, उन्हें उनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त होता है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान को कंट्री लेवल पे सिट्रस फ्रूट्स की एक्सपोर्ट से जो है वो अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी हासिल होता है। हाल तो पिछले 2-3 साल से ये कोविड पीरियड के दौरान और कोविड के बाद सिट्रस की एक्सपोर्ट में जो है वो काफ़ी कमी हुई है, लेकिन फिर भी इस फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें से सिट्रस से जो है कंपैरेटिवली हमें बेहतर, इसकी एक्सपोर्ट भी हो रही है और अर्निंग भी हो रही है। तो इससे अगर हम आगे चलें तो जैसा कि आपको पता ही है कि सिट्रस एक बड़ा ग्रुप है फ्रूट्स का, जिसको जिसमें फर्दर जो है मैंड्रिन, जिसमें किनू, फ्यूटल, अर्ली ये चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह स्वीट ऑरेंजेस एक और ग्रुप है सिट्रस का, इसमें मौसमी, सक्री और इससे मिलती जुलती जो है वो काफ़ी सारी और इकसाम भी हैं। फिर ग्रेप फ्रूट आ जाते हैं, चकोतरा है, लेमन्स हैं, लेमन्स में ये यूरिका लेमन और मैक्सिकन लेमन और भी काफ़ी सारी इकसाम है लेमन्स की। और एक जो है फिर लाइम्स आ जाते हैं, उसमें कागजी लाइम और दीगर इकसाम उसमें शामिल हैं। और फिर जिसे हम चीनी नींबू कहते हैं, चाइनीज लाइम, और बेसिकली ये लाइम क्वार्ट, टेक्निकली इनको लाइम क्वार्ट्स कहते हैं, तो ये कम क्वार्ट का और लाइम्स का जो है वो क्रॉस है। तो ये जो लेमन लाइम्स को जो है आप सिट्रस फ्रूट्स में इनकी पोजीशन देख सकते हैं कि ये एक जो है सिट्रस फ्रूट्स में से एक छोटे ग्रुप के तौर पे जो है वो जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं, और दुनिया में काश्त भी होते हैं और पाकिस्तान में भी जो है इनका एरिया कंपेरेटिवली कम है। तो एक पाकिस्तान में ना काफी काफी तैयारी सारे लोगों को जो है ये क्लैरिटी नहीं होती कि लेमन, करेगी ये काइंडली अपने माइक जो है अगर म्यूट कर लेंगे तो हमारे लिए, हम सब के लिए जरा आसानी होगी। तो ये लेमन और लाइम्स जो है ये बेसिकली दो आपस में जो है ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, जिनको आम तौर पे हम जो है लीमू या नींबू मार्केट में हम कह रहे होते हैं, हम समझते हैं शायद ये नींबू या लीमू जो है ये हम लेमन की बात कर रहे हैं, वो लेमन नहीं है जो हम आम तौर पर बाजार से खरीदते हैं। ये एक समझ लें कि पाकिस्तान में या हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक गलतोलाम है, जिसे हम लीमू कहते हैं, लीमू बोलते हैं या नींबू कहते हैं, वो लेमन नहीं है, वो लाइम है बेसिकली। तो हमें इस स्लाइड से मैंने थोड़ा सा ये डिफरेंस समझाने की कोशिश की है कि लेमन और लाइम में डिफरेंस क्या है, पहले हमें ये क्लैरिटी तो हो कि ये दोनों एक ही चीज़ है या ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेमन और लाइम्स। तो जो लाइम है आमतौर पर इनका फ्रूट का साइज जो है ये स्मॉल होता है, छोटे साइज का फ्रूट होता है, जबकि जो लेमन है ये बड़े साइज के फ्रूट होते हैं। जो लाइम है इनकी जो फ्रूट की स्किन है या पील है वो पतली होती है, थिन स्किन्ड होते हैं लाइम जो है, जबकि लेमन जो है इनकी जो पील है ये मोटी होती है। जो लाइम्स है इनकी आउटर सरफेस, पील की आउटर सरफेस जो है वो आम तौर पर स्मूथ होती है, जबकि जो लेमन्स होते हैं इनकी जो आउटर सरफेस है वो लाइम्स के मुकाबले में जरा खुरदरी होती है। जो लाइम्स हैं इनकी जो फ्रूट की शेप है आम तौर पर वो तकरीबन राउंड के करीब शेप होती है, जबकि लेमन्स जो है ये ओवल शेप्ड होते हैं, ये थोड़े से जो है वो लंबूतरे होते हैं। जो लाइम्स हैं, लाइम का कलर जो है वो ग्रीन से लाइट येलो रहता है, और अगर हम इसको ना मार्केट ना करें तो डेफिनेटली एंड पे ये भी जो है येलो कलर के हो जाते हैं, जबकि लेमन जो है इनका कलर जब ये हार्वेस्टिंग के काबिल होते हैं तो उस टाइम पे जो है इनका कलर जो है वो ब्राइट येलो होता है, ये पूरी तरह जो है इनका पीला रंग होता है। और एक और बड़ी अहम निशानी है कि जनसंख्या जो है वह जो
ये अबू बकर साहब आप अपना काइंडली कर दिया, उन्होंने म्यूट कर दिया। तो जो लाइम्स हैं, लाइम में एक और निशानी होती है कि इनकी फ्रूट के डिस्टल एंड पे, डंडी वाली साइड नहीं, जो दूसरी साइड है उसको डिस्टल एंड कहते हैं, तो उस पे निपल नहीं होती। ये जो थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग पोर्शन होता है ये लाइम्स में आमतौर पर नहीं होता, और अगर होगा तो बहुत छोटा सा होगा। तो जबकि लेमन्स में जो है बड़ा प्रोनाउंस्ड किस्म का, बड़ी वाजे किस्म की निपल जो है वो मौजूद होती है। इसी स्लाइड पे जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, तो उसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें तो फ्रूट की जो है डिस्टल एंड पे आपको निपल और एक बाहर की तरफ प्रोटूडिंग पोर्शन नजर आ रहा है। तो जिसमें ये वाजे तौर पे प्रोटूडिंग पोर्शन या निपल होगी वो लेमन होगा, और जिसमें ये नहीं होगी या बहुत छोटी होगी तो वो लाइम होगा। तो ये जो तस्वीरें स्लाइड पे तीन मौजूद हैं, इनमें ऊपर वाली जो दो है येलो कलर वाली तस्वीरें, ये दोनों लेमन्स की हैं, जबकि नीचे वाली तस्वीर जो है वो लाइम की है। तो ये तो इनका डिफरेंस है। और एक बात मैं फिर यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बाजार से पाकिस्तान में आमतौर पर हम सब्जी वालों से या रेड़ी वालों से हम खरीदते हैं और घर में वो शिकंजबीन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो लेमन नहीं है, वो लाइम है। वो एसिड लाइम, कागजी लाइम, या जिसको हम देसी नींबू कह देते हैं, वो बेसिकली लाइम है, वो लेमन नहीं है। अब आगे चलते हैं कि इसके लेमन और लाइम्स के जो इस्तेमाल है, इसके यूजेस जो हैं, उसमें नंबर एक तो इनका जो है जूस इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा जो है ये इसकी पील और जूस भी, या इसके स्लाइसेस जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो जैम्स और जेलीज हैं उनमें ब्लेंड के तौर पे जो है इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है लेमन लाइम्स, इनकी स्क्वाइश जो है वो भी तैयार होती है, वो बनाई जाती है। इसके अलावा जो हम शिकंजी लीमू पानी या शिकंजबीन जो हम तैयार करते हैं, लेमोनेड उसको कहते हैं, तो वो भी जो है इन्हीं लेमन और लाइम से तैयार की जाती है। और इसके अलावा जो है लेमन और लाइम्स जो है ये अचार बनाने के लिए घरों में, और आप कह लें अचार तो बाजार से भी मिलता है, इसके प्रोडक्ट्स जो हैं लीमू और लाइम के जो अचार हैं वो बाजार से भी मिल जाते हैं और घरों में भी तैयार किए जाते हैं, इनका ये इस्तेमाल है। इसके अलावा जो है ये कुकिंग में भी जो है, खाना पकाने में मुख्तलिफ तरह की जो डिशेज हैं उनमें भी जो है थोड़ी मिकदार में लेमन और लाइम्स जो हैं वो कुकिंग आइटम के तौर पे जो है, वो जो बाकी कोई चीज़ें हम पका रहे होते हैं, गोश्त पका रहे हैं, बाकी चावल वगैरह पका रहे हैं, तो उनमें काट के इनको डाला जाता है थोड़ी मिकदार में। इसके अलावा जो है ये लेमन और लाइम का जो जूस है, ये डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो है उसमें ये यूज़ होते हैं। आपको भी पता ही होगा बाजार से खास तौर पे जो हम बर्तन धोने वाला साबुन खरीदते हैं, तो उस में जो है वो बाजू का तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि इसमें लीमू जो है वो शामिल है, या लीमू का जूस जो है वो इसमें, शायद एक इसका डिटर्जेंट इंडस्ट्री सर्फ वगैरह सोप्स उसमें भी इनका यूज है। इसके अलावा लेमन और लाइम्स के पत्तों से भी और इसके फ्रूट और पील से भी जो है इसेंशियल ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसेंशियल ऑयल जो है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, परफ्यूम्स में, और उसकी कुछ मेडिसिनल, इसका ऑयल जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो उसमें भी यूज होता है। तो इसका जो मेडिसिनल यूजेज में जो ये लेमन और लाइम्स हैं, इनकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इनकी होती है। तो इन फ्यूचर ये भी इस तरह भी जो है इनका मेडिकल साइड पे भी इनका जो है वो यूज हो सकता है। इसके अलावा एक चीज यहाँ मैं मेंशन नहीं कर सका, वो ये है कि लीमू जो है लेमन की टी, जो साशे नहीं मिलते टी वगैरह जो है उस, वो भी आजकल जो है मार्केट में मिल जाते हैं। और मैं चूंकि ना मेरी पीएचडी से मैं चाइना रहा हूँ, तो उधर ग्रीन टी का खासा रिवाज होता है। आपको हर स्टोर पे जो है 200-300 इकसाम वो जो है मिल जाती है, तो उसमें एक ग्रीन टी के लेमन और लाइम्स को जो है पील, इनको खुश कर यानी पैकिंग उनकी मिल जाती है, राइट फॉर्म में वो होते हैं, और उनको लोग ग्रीन टी के तौर पे यूज करते हैं। आप पानी गर्म करें, वो जो उसके लेमन और लाइम के खुश्क जो स्लाइसेस होंगे, वो 2-3 स्लाइसेस जो है वो आप पानी के कप में डालेंगे, और वो आपकी जो है लेमन टी एक किस्म की जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये उधर चाइना में हमने देखा था, उधर तकरीबन हर जो जनरल स्टोर सुपर स्टोर है उस पे ये लेमन की जो ड्राइड लेमन के स्लाइसेस जो है बतौर टी, ग्रीन टी के तौर पे वो वहाँ अवेलेबल होते हैं।
तो ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में भी आप समझ लें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है कि लेमन और लाइम्स को खुश करके बेचा जा सकता है। तो इसी तरह ये जो ये यूएई और इसके करीब की जो रियासतें अरब ममालिक हैं वहां पर ये लेमन और लाइम जो है ये तकरीबन हर घर में एक दो पौधे मौजूद होते हैं और उनकी मार्केटों में सालम फ्रूट जो है लेमन और लाइम का साबित फ्रूट होल फ्रूट जो है वो भी खुश्क करके उसको एज सच मार्केट किया जाता है। तो ऐसी एविडेंसेस भी मौजूद है कि लेमन और लाइम का होल फ्रूट खुश्क करके ये अरब मार्केटों में जो है वो सेल हो रहा होता है तो उसकी वहाँ ये भी वैल्यू है। तो ये इसके यूजेस के लेमन और लाइम्स के यूजेस के हवाले से बात थी। तो अगर हम इसकी जो है लीमू की अगर हम एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो इस स्लाइड में सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि लीमू का एरिया जो है ये 1000 हेक्टेयर्स में और प्रोडक्शन जो है वो 1000 टन्स में है। ये तकरीबन 10 जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनका डाटा जो है वो शो किया गया है। तो पहले नंबर पे इंडिया आ जाता है, फिर मेक्सिको, चाइना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फिर यूएसए, टर्की, स्पेन, ईरान और इटली जो है ये पहले 10 ममालिक हैं जहाँ पर लेमन लाइम्स जो है वो ज़्यादा, यानी ये 10 जो है लीडिंग कंट्रीज हैं लेमन और लाइम्स की प्रोडक्शन के हवाले से। एरिया भी इन मुल्कों में ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी जो है वो इधर ही इन 10 ममालिक में ज़्यादा है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये जब खावर साहब ने मुझे हुक्म दिया जी आपने लेमन और लाइम पे एक जो है वो लेक्चर डिलीवर करना है और प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ थोड़ा बहुत हमारा लेमन लाइम के हवाले से काम था लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इस पे डाटा भी अवेलेबल नहीं है। और मैंने कल खावर साहब से भी रब्ता किया, मैंने अपने तौर पे भी जो है गवर्नमेंट साइट से स्टेटिस्टिक्स चेक करने की कोशिश की ऑनलाइन भी और लोगों से पर्सनली रब्ता करके भी। तो सूरत हाल ये थी कि हमें लेमन और लाइम्स की एरिया और प्रोडक्शन का डाटा जो है किसी ऑथेंटिक सोर्स से जो है वो हमें नहीं मिल सका। जैसे किन्नू का या सिट्रस का ओवरऑल डाटा मिल जाता है लेकिन लेमन और लाइम्स का डाटा जो है वो किसी भी सोर्स से, किसी ऑथेंटिक सोर्स से जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो मेरी डॉक्टर बशारत अली सलीम साहब से बात हुई तो उन्होंने एक रफ सा एस्टिमेट मुझे दिया। वो कहते हैं जी तकरीबन जो है ये 5000 हेक्टेयर के करीब जो है, यानी ये कोई 10-12 हज़ार एकड़ बनेंगे, ये 10-12 हज़ार एकड़ के करीब जो है पूरे पाकिस्तान में ये लेमन और लाइम के बागात जो है वो मौजूद है और वो स्कैटर्ड है। ये इसकी जो कम्पैक्ट प्लांटेशन नहीं है, मतलब कहीं पे आपको जो है लीमू लगा हुआ आप कहें जनाब 50 एकड़ 100 एकड़ का एक ही ब्लॉक मिल जाए लीमू लगा हुआ है, तो ये इस तरह की ब्लॉक तलाश करना मुश्किल है। और जैसे खावर साहब कह रहे थे तो आप सारे दोस्त जो इस वक्त तकरीबन कोई 100+ 125 के करीब पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, तो अगर आपके पास कोई डाटा के हवाले से इन्फॉर्मेशन है या कहीं पे कोई 50, 100, 200 एकड़ का कहीं पे कोई लेमन और लाइम्स का ब्लॉक लगा हुआ है तो काइंडली ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, खावर साहब हैं, पीएचटेक है और बाकी लोग हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि इसकी कोई डाटा कंपाइल करने में और कुछ अथेंटिक फिगर्स बनाने में या तैयार करने में जो है वो हमारी हेल्प हो। तो डॉक्टर बशारत अली सलीम साहब ने जो है वो हैंड रेज किया हुआ है, तो डॉक्टर साहब को मेरा ख्याल है मैं ये कंप्लीट कर लूँ फिर हम डॉक्टर साहब का फीडबैक लेते हैं। उनका बड़ा अच्छा इस पे जो है सिट्रस पे उनकी पीएचडी है, उनका काम है, तो हम डॉक्टर साहब को जो है मौका देते हैं। मैंने खुद ही उन्हें रिक्वेस्ट की थी भी आप सर लाल हम आपको सुनना चाहेंगे तो उनकी मेहरबानी है वो ज्वाइन कर चुके हुए हैं। तो मैं थोड़ी देर में अपनी टॉक वाइंड अप करता हूँ और फिर जो है डॉक्टर बशारत साहब और मकसूद साहब और बाकी लोग जितने भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं हम उनकी बात सुनेंगे। वो एरिया के हवाले से कोई ऑथेंटिक फिगर जो है गवर्नमेंट साइट से अवेलेबल नहीं है। एक फिगर हमें कल जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से मिला कि 2020-21 में लीमू की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 2000 या 2200 टन आप कह लें लेमन और लाइम्स ये एक्सपोर्ट हुए थे और इससे जो है वो ये 214 201,4000 214,000 डॉक्टर साहब, हाँ ये 214,000 जो है, लेकिन ये डॉक्टर साहब थोड़ा नहीं फिगर, ये कल मैंने मिलियन में कन्वर्ट किया था और फिर मेरे से गलती हो गई, ये ऊपर मैंने चेंज नहीं किया, तो ये 214 मिलियन है बेसिकली। इसको 214 मिलियन रुपए जो है इतने पैसे जो है इसकी एक्सपोर्ट से हासिल हुए। इसी तरह अगर 2021-22 का आप डाटा देखें तो ये 342 सर नहीं हाँ ये ये मिलियन में मतलब नहीं है, हमारी सिट्रस की टोटल एक्सपोर्ट 200 मिलियन से ऊपर नहीं है, ये ये हजारों में है सर। नहीं नहीं ये जो
ये जो अब पैसों दो की सौ बात है मिलियन है जी, 200 मिलियन तो है, आपको किसने कहा 200 मिलियन नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, ये पैसों की बात मैं कर रहा हूँ इसमें ना, ये 31 मिलियन की 2022 में जो है और नहीं नहीं 30, नींबू की बात आप करें तो वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं सिट्रस की तो 200 से ज्यादा नींबू बढ़ की बात जाती है कर रहे हैं सर। जी, सिट्रस ये की सब मैं कह रहा सिट्रस हूँ कि की, 200 मिलियन है, नींबू की इतनी नहीं हो सकती ना सर। हाँ नहीं नींबू नहीं की नींबू की तो है ही नहीं इतनी, ये डॉक्टर तो साहब आपको ये, पता है, ये पाकिस्तानियों की ये खूबी है कि वो हर चीज एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो लेमन है खास तौर पे, ये सिंगड़ा जो है लेमन, और ये आपको पता है चाइनीज लाइम सारा अफगानिस्तान पिशावर की तरफ जाता है। और अजहर साहब की एक बात मैं इजाफा करना चाहता था कि कंसंट्रेटेड एरिया है चाइनीज लाइम का, जिसको यूस्टस लाइम भी कहते हैं, और वो एक किस्म का ट्रू लाइम बन गया। ये शेखपुरा और ननकाना के दरमियान एरिया है और इसकी माना वाला मेन मार्केट है। तो यहाँ पे 2 लाख से लेके 2-2.5 लाख से लेके 5 लाख तक भी एकड़ बिकता है, और ये सारा सारी मार्केट उधर जाती है, सारा एक्सपोर्ट ही होता है किस्म का वाया अफगानिस्तान। तो उसके अलावा ये भी बड़ी मंडी बनी थी इसकी, लेमन की भी, लेकिन वो चूंकि उसकी बात आप कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा एरिया। अब फैक्ट्री वालों को भी मैंने उनको कायल किया है कि वो इसको भी प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो कहते हैं कि अभी कोई फीडिंग एरिया इतना नहीं है वो लेमन का कि हम ये दुबई वगैरह ट्राई करें या सऊदीया ट्राई करें। तो इसलिए मैं ये, एक तो अजहर नवाज साहब की बड़ी मेहनत उन्होंने की, कंपाइल किया डेटा और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, दूसरा ये एक हकीकत है कि लेमन और लाइम हर बंदा दुनिया का खाता है, और जो जो कॉन्शियस हैं इसके फूड के या न्यूट्रिशन कॉन्शियस लोग हैं वो तो इनताई रेगुलर यूज करते हैं। हम भी कभी 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 हमारा, लेकिन हम डरते हैं कि ये खट्टा है और इससे गला खराब हो जाएगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आपका गला ठीक है, सेंसिटिव ज्यादा नहीं है या एलर्जिक नहीं है आप, तो इसको आप यूज करें अचार के तौर पे। ये जैम्स हैं, मैरमलेड्स हैं, और उसके अलावा स्क्वैशेज हैं, और फिर बेशुमार ये शिकंजबीन और नींबू पानी, अब तो बहुत ज्यादा ये आपको पता है प्रोसेस शक्ल में आ गया है। तो इसका बड़ा स्कोप है, प्लांटेशन का भी, इसमें इनकम का भी स्कोप है। आपको पता है हमारा देसी लाइम जो है, या देसी नींबू या कागजी नींबू जिसको कहते हैं, उसकी भी कंसंट्रेटेड प्लांटेशन कुछ है वहां पे सादकाबाद में, और कुछ जो है वो मीरपुर खास के एरिया में, मैंने खुद भी विजिट किया है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट है कि सादकाबाद वाले एरिया वो लोग अपरूट कर रहे हैं। आपको पता है कि ये देसी नींबू जो था ये रोजों के साथ मुंसलिक था, इन्होंने इस तरह की उसकी चेंज किया था फ्रूटिंग पैटर्न, खादें वगैरह डाल के ज्यादा फर्टिलाइजर या इस तरह करके। तो ये कुछ फ्रूट ये अप्रैल मई और जून में भी लेते थे, तो अब उसकी वैल्यू नहीं रही, वो छोटा कच्चा हर किस्म का बिक जाता था। तो अब लोगों ने काफी अपरूट भी किया है वहां पे। अब ये अगले 10-12 साल जो है ये तो चाइनीज ही जो है वो राज करेगा नींबू की इंडस्ट्री में, और उसके अलावा ये जो आपका सिंगड़ा लेमन है, या उसको आप कह लें मैक्सिकन लेमन, ये लेमन की ही एक वैरायटी ट्रू लेमन है ये, तो इसका भी बड़ा स्कोप है। लेकिन इसका इशू ये है कि ये ना येलो हो जाता है तो बहुत ज्यादा ये लूज सा और इंटैक्ट नहीं रहता फ्रूट, तो ये प्री प्री मच्योर अगर इसको तोड़ा जाए, साइज अगर मुनासिब हो जाए, तो फिर ये ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा है लीमू और लेमन और लाइम की, कभी कभी इसकी डिमांड बंद खत्म नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसको साइंसी बुनियादों पे, इसकी प्रोसेसिंग भी, इसकी वैल्यू चेन भी, और इसकी सप्लाई चेन जो है वो साइंसी बुनियादों पे होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी नींबू का ग्रोअर भूखा नहीं मरेगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर बशारत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, अपनी इनपुट दी, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि ये एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, और जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, ये जो थोड़ी सी एक्सपोर्ट हुई थी 2021-22 में, वो अफगानिस्तान को ही गया था मेनली, जो अफगानिस्तान को, और बहुत थोड़ी सी मिकदार जो है एक साल में 21-22 में कनाडा को भी गई है, बहुत थोड़ी सी मिकदार।
तो ये अगर आप 2021 और 21-22 का डाटा देखें तो ये 2188 टन से रिड्यूस होकर ये 342 टन पे आ गया। ये तकरीबन 6 गुना जो है, यानी 2021 के मुकाबले में 2021-22 में 6 गुना क्वांटिटी भी एक्सपोर्ट की कम हुई, और उसी तरह जो अर्निंग थी वो भी 6-7 गुना जो है वो कम हो गई है। तो ये 214 मिलियन से सिर्फ 31 मिलियन जो है 2022 में इतनी पैसों का जो है लीमू लेमन और लाइम जो है ये एक्सपोर्ट हुआ था, और मेनली ये अफगानिस्तान को ही गया था। तो बस इतना एक डाटा गवर्नमेंट साइट से अवेलेबल था, इससे ज्यादा जो है लेमन लाइम्स की प्रोडक्शन और बाकी चीजों का डाटा जो है वो स्टेटिस्टिक्स खास तौर पर अवेलेबल नहीं थे। तो ये इस चार्ट में, या ये बेसिकली 2007 में हमने, मैं उस वक्त स्टूडेंट था, एक प्रोजेक्ट में काम करता था जरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ही, प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज साहब के पास सिट्रस का एक प्रोजेक्ट था। उस वक्त ही हमने ये डाटा कंपाइल किया था कि जर्म प्लाज्म जो है सिट्रस का पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेशंस पे क्या कुछ मौजूद है। तो लेमन लाइम्स के हवाले से जो इकसाम अवेलेबल थी, एसिड लाइम्स में कागजी लाइम, यूस्टिस लाइम, बेयर्स लाइम, तहेती लाइम और लेक लैंड लाइम जो है, ये 7-8 की इसमें जो है ये एसिड लाइम की अवेलेबल थी पाकिस्तान में। और इसी तरह पहले लेमन्स की जो है ये तकरीबन 35 के करीब जो है किस्में मौजूद थी, और इनमें से जो ज्यादा इकसाम मौजूद है, सबसे ज्यादा जो रिच जर्म प्लाज्म है वो मौजूद है जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन साहिवाल है वहां पर, 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो है सबसे ज्यादा सिट्रस का जो जर्म प्लाज्म वराइटीज वाइज जो अवेलेबल था वो हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन साहिवाल पे था। इसके अलावा जो है हॉर्टिकल्चर रिसर्च सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोधा, वहाँ पर भी सिट्रस की काफ़ी सारी इकसाम मौजूद है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी मौजूद है, और फिर रिसर्च पर्पजेज के लिए बाकी जितने इदारे हैं रिसर्च के, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, फेडरल के, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मौजूद है, तो थोड़ा थोड़ा जर्म प्लाज्म बाकी जगहों पर भी मौजूद है। तो बहरहाल ये एक लिस्ट है लेमन और लाइम्स की मुख्तलिफ इकसाम की, जिनका जर्म प्लाज्म एटलीस्ट रिसर्च पर्पज के लिए स्टेशन पे जो है वो मौजूद है। तो ये उसकी एक लिस्ट है। तो अगर हम क्रॉप मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है प्लांट खरीदने की बारी आती है कि अगर आपने लेमन और लाइम्स के पौधे खरीदने हैं तो किसी अच्छी नर्सरी से पौधे खरीद के लगाएं। आजकल ये डॉक्टर बशारत साहब का ही डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो नर्सरीज की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन के साथ जो रजिस्टर्ड नर्सरीज हैं उनके पास अच्छा जर्म प्लाग, अच्छे पौधे जो है वो उनके पास अवेलेबल है। तो पौधे अगर खरीदने हैं तो रजिस्टर्ड नर्सरियों से ही खरीदे जाए। और इसमें एक ब्लेसिंग ये है लेमन लाइम्स की, लेमन और लाइम्स की काफ़ी सारी इकसाम में से खास तौर पे कागजी लाइम में पोली एम्ब्रियानी मौजूद है। तो जो प्योरली हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो पोली एम्ब्रियानी को समझते हैं, तो इसकी हमारे लिए जो है इस प्लांट प्रोपिगेशन के हवाले से अच्छी बात यह है कि जो कागजी लाइम या जिसको हम देसी नींबू कहते हैं उसमें पोली एम्ब्रियानी मौजूद है। तो उसका फायदा हमें ये होता है कि अगर कागजी लाइम के अगर हम उसके सीड जो है वो उनकी सोइंग कर दें तो जो पौधे हमें हासिल होंगे वो एज सच अपने पेरेंट प्लांट की तरह होंगे पोली एम्ब्रियानी की वजह से, वो ट्रू टू टाइप होंगे, हमें कोई ग्राफ्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है उनपे। तो वो ऑल दो हम सीड के थ्रू उगाएंगे, क्रॉस पोलिनेटेड भी है सिट्रस, सारा क्रॉस पोलिनेटेड है, लेकिन पोली एम्ब्रियानी मौजूद होने की वजह से इवन टाइप होंगे। तो एक ये इसमें एक अच्छी बात है कि पौधे सीड के थ्रू जो है वो तैयार करना कंपैरेटिवली आसान होता है, बजाय कि पहले आप रूट स्टॉक उगाएं और फिर उस पर बडिंग ग्राफ्टिंग करें और फिर पौधे तैयार हों तो ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा, पौधों की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप पौधे लगा लेते हैं तो उनकी इरीगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा जो है इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जैसे बाकी सिट्रस स्पीशीज को 16-17 एलिमेंट्स जो है वो चाहिए, खास तौर पे उनमें से एनपीके, तो इन लेमन और लाइम्स के पौधों को भी जो है वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है वो जैसे हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली भाई 1000 ग्राम नाइट्रोजन और 500 ग्राम जो है फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश जो है वो पर ईयर बेसिस पे पर प्लांट बड़े पौधों को डालनी चाहिए, और पौधे छोटे होंगे तो डेफिनेटली फिर उनकी मिकदार जो है वो कम हो जाएगी।
तो अगर हम नाइट्रोजन को जो है हमेशा सप्लेट डोजेस में 2 से 3 डोजेस में अप्लाई किया जाता है, जबकि फास्फोरस और पोटाश वाली जो सिंगल डोज में ही फ्लावरिंग से पहले जो है अप्लाई कर दिया जाता है। और इसके बाद जो है फिर इंसेक्ट पेस्ट यानी जो इस पे कीड़े कीड़े और बीमारियां जो अटैक करती हैं वो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैंने लेमन के हवाले से कुछ 3-4 चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिस्ट की हैं। एक जो है सिट्रस ट्रेस्टिजा वायरस है, इसका अटैक होता है। इसके अलावा जो है आजकल सिट्रस में और लेमन लाइम्स में भी ये हुआंग लॉन्ग बिंग डिजीज, जिसको सिट्रस ग्रीनिंग भी कहते हैं, तो ये भी एक आप समझ लें इमर्जिंग इश्यू है, और ये पाकिस्तान में भी डिटेक्ट भी हुआ है। इसके सिम्टम्स जो है मुख्तलिफ बागात में देखे गए हैं, तो ये है। इसके अलावा जो है ये बड़ी खास बात है कि लेमन और लाइम जितनी भी स्पीशीज है, जितनी भी इनकी वराइटीज है, इसमें ये सारे के सारे सिट्रस कैंकर जो है उसके अगेंस्ट जो है सुसेप्टेबल है। ये ग्रेप फ्रूट पे और लेमन लाइम्स पे सिट्रस कैंकर का कंपेयर्ड विद अदर यानी मैंड्रिन के और स्वीट ऑरेंज के, लेमन लाइम्स पे बहुत ज्यादा सिट्रस कैंकर का हमला होता है, जिसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसके लिए जो है आमतौर पर कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो है वो यूज किए जाते हैं। HLB जो डिजीज है इसका कोई हल नहीं है, इसके लिए आप फिलहाल इस वक्त तक जो है इसका कोई पक्का सोल्यूशन सामने नहीं आया, कोई ऐसा पेस्टिसाइड या कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्प्रे कर दी जाए और ये मसला खत्म हो जाए। ऑल्दो ये बैक्टीरियल डिजीज है और सिट्रस सिल्ला जो है वो इसको वेक्टर के तौर पे जो है इसको ट्रांसमिट करता है, तो इसका सोल्यूशन यही बताया जाता है कि एक तो आप अच्छे पौधे जो है वो अच्छी नर्सरियों से HLB से पाक पौधे जो है वो खरीद के वही लगाएं, और दूसरा सिट्रस सिल्ला को कंट्रोल करें ताकि ये वेक्टर है तो ये HLB को आगे ना फैलाए। इसके अलावा चूंकि हम लेमन लाइम्स की बात कर रहे हैं, तो एक वैरायटी है ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम, तो ये एक वाइल्ड टाइप है ऑस्ट्रेलिया की, कुछ इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, कुछ बहुत ज्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन जर्म प्लाज्म में वो मौजूद होने से साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम है उसमें कुछ ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो ये जो हुआंगलोंग बिंग डिजीज है सिट्रस ग्रीनिंग है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अमेरिका में जो सिट्रस रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये लोग इस पे काम कर रहे हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम से वो जीन्स आइसोलेट करके बाकी एक्साम जो सिट्रस की हैं उनमें वो इंट्रोड्यूस करके उनमें HLB के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस लाना चाह रहे हैं। तो ये लेमन लाइम्स के थ्रू ये एक अच्छी बात सामने आई है कि इसमें नेचुरली रेजिस्टेंस मौजूद है HLB के अगेंस्ट, और उन्हीं जीन्स को आइसोलेट करके उनको यूज किया, बाकी जो एग्जाम है उनमें इंट्रोड्यूस करके HLB के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लाई जा रही है, और पॉजिटिव रिपोर्ट्स इसकी जो है तजुर्बाती बुनियादों पर सामने आ चुकी हुई है, और आने वाले वक्त में जो है इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए माइट भी हम जो है ये बाकी एग्जाम में भी ये हेलो, रेजिस्टेंस जो है वो ला सके। इसके हाँ अलावा फिर ये जो क्रॉप मैनेजमेंट के हवाले से प्रूनिंग की बात आ जाती है शाख तराशी की, तो ये भी लेमन और लाइम्स जितने भी हैं ये विगोरस ग्रोअर होते हैं कंपेयर्ड विद बाकी जो सिट्रस वराइटीज हैं। विगोरस ग्रोअर से मुराद यही है कि ये तेजी से ग्रो करते हैं, तो इस तरह से फिर एक हिसाब से इनकी प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बाकी इकसाम से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो प्रूनिंग करते हुए जितनी भी जो है खुश्क ब्रांचे हैं डिजीज और ड्राई ब्रांचेस हैं पौधों पर उनको रिमूव कर देना चाहिए, और इस पे जो वाटर शूट्स जो सीधी ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं उनको काट देना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रांचेस जमीन के साथ लग रही होती हैं उनको काटें, और जब भी आप प्रूनिंग करेंगे इससे पहले आप फंजीसाइड का इंतजाम करें। तो प्रूनिंग करने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको किसी अच्छे फंजीसाइड का, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का या किसी और सिस्टेमिक फंजीसाइड का जो है स्प्रे लाजमी तौर पर जो है वो करना चाहिए, और जो मोटी शाखें आपको काटनी पड़े उन पे बोर्डेक्स मिक्सचर का जो है बोर्डेक्स पेस्ट का जो है वहां पे लगाना जरूरी है, ताकि उनके जो बड़े पौधे पे आप प्रूनिंग करते हुए जो बड़े जख्म लगाते हैं उनको कवर किया जा सके। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि लेमन लाइम विगोरस ग्रोअर हैं, तो ये एक तहेती लाइम एक किस्म है, इनके पौधों को आप देखें ये कितने तेजी से और कितने बड़े बड़े पौधे हैं इनके और एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। तो इससे सिर्फ हमने ये अंदाजा लगाना है कि इस तरह के जंगल तैयार नहीं करने, इनकी शाख तराशी प्रूनिंग करके ताकि क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हार्वेस्टिंग स्प्रेइंग सारी चीजें आसान हो, तो इनको हमने मैनेज करना है। तो प्रूनिंग अगर कर दी जाए तो ये इस तरह की जो मशीनरी मशीन जो है वो भी यूज की जा सकती है, और मैनुअली भी प्रूनिंग की जा सकती है। तो ये बाकी दुनिया में इस तरह की मशीन यूज होती हैं, और सरगोधा में USAID के तावन से और कुछ और एजेंसीज के तावन से
कोई आई थिंक 3-4 मशीनें तो कम से कम सरगोधा में, दो का तो मुझे पता है, एक सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद है और एक जो है कोटमोमेन में एक फैक्ट्री ओनर के पास जो है ये मशीन मौजूद है। तो इससे ज्यादा आई थिंक 2-3 मशीनें और भी अवेलेबल हैं, 4-5 मशीनें टोटल, तजर्बाती बुनियादों पर प्रूनिंग की ये ट्रैक्टर माउंटेड मशीन हैं वो यूज होती हैं। तो लेमन लाइम्स के लिए जो है इनकी जो है प्रॉपर प्रूनिंग करनी चाहिए, मैकेनिकल प्रूनिंग, ये ज्यादा ग्रो करते हैं तो इस तरह प्रूनिंग की इनकी रिक्वायरमेंट भी जो है वो ज्यादा होती है, और मैनुअल प्रूनिंग भी की जा सकती है। तो अगर आप पौधों की कांट छांट ना करें तो पौधे बड़े होके इसी तरह जैसे आपके सामने एक पौधा नजर आ रहा है, ऑल्दो ये लाइम का नहीं है लेकिन सिट्रस ग्रुप से ही है, बेसिकली ये ऑरेंजेस का पौधा है, लेकिन अगर आप नहीं काटेंगे तो पौधा इसी शक्ल में ही जाएगा, लीमू का भी इसी तरह ही होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा जो है वो आपको नजर आएगा। अब उसी पौधे को जो है प्रॉपर अगर प्रूनिंग ट्रेनिंग की जाए, शुरू से ट्रेनिंग और फिर प्रूनिंग की जाए, तो इसी पौधे को हम इस तरह की प्रॉपर एक शेप भी दे सकते हैं। तो ये प्रूनिंग से ही मुमकिन है ऐसे खूबसूरत अच्छे प्रॉपर फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर वाले पौधे तैयार करना जो है वो मुमकिन है। तो ये इसकी अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो एक चैलेंज तो पहले भी हम अर्ज कर चुके हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा जो है इसके जो प्रोडक्शन के और यील्ड के और इस तरह के जो स्टेटिस्टिक्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे वो अवेलेबल नहीं है। तो पीएच डेक को या गवर्नमेंट के बाकी इदारों पे जो भी सर्वे वगैरह करते हैं तो उन्हें इस तरफ भी फोकस करने की जरूरत है। अगर किसी क्रॉप पे फोकस करना है गवर्नमेंट ने और इवन हम सब लोगों ने करना है तो डेफिनेटली उस पे डाटा अवेलेबिलिटी बड़ी जरूरी होती है, पता तो चले ये क्रॉप है कितनी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा इसकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, जैसे बशारा साहब कह रहे थे ये ननकाना शेखुपुरा उस एरिया के अलावा बाकी जगहों पे जो है लीमू लगाता तो हर कोई है लेकिन होते चंद पौधे हैं, कोई बाड़ के तौर पे लगा लेता है, कोई 2 कनाल लगा लेता है, कोई 1 एकड़ लगा लेता है इस तरह करके, लेकिन कम्पैक्ट प्लांटेशन सैकड़ों एकड़ में या 50-100 एकड़ के ब्लॉक्स जो है वो आपको शायद ही कहीं नजर आए, अदरवाइज मुश्किल है। तो इसकी लेमन लाइम्स की पॉपुलेशन जो है प्लांटेशन जो है वो स्कैटर्ड है। दूसरा इस पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से भी जो है साइंसदानों का भी बड़ा लिमिटेड सा ही फोकस है, कोई बहुत ज्यादा लोग जो है वो लेमन लाइन पे काम नहीं कर रहे होते, अगर कोई काम कर रहा है तो वो पाकिस्तान में जो है सिट्रस में किन्नों को यानी मैंड्रेन्स को और स्वीट ऑरेंजेस को देख रहा होगा, उन पे काम कर रहा होगा। लेमन लाइम्स पे जो है अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और थोड़े लोग पार्टिकुलरली लेमन लाइम्स पे काम कर रहे होते हैं। जो लोग हम कहते हैं सिट्रस पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उनका मेन फोकस किन्नू और बाकी जो सिट्रस के किन्नू उसमें स्वीट ऑरेंजेस मैंड्रेन्स और ग्रेप फ्रूट वगैरह उन पे काम करते हैं। एक और चैलेंज जो है क्लाइमेटिक चेंजेस का, वो जैसे सारी क्रॉप्स को मुतासर कर रहा है इसी तरह वो लेमन लाइम्स इनको भी मुतासर करेगा, और खास तौर पर हम सिट्रस की या इनकी बात करें तो इस वक्त तक सिर्फ एक पेपर जो है ऐसा मैंने ऑनलाइन देखा है जो क्लाइमेटिक चेंजेस को लिंक कर रहा है सिट्रस के साथ, लेमन लाइम के साथ नहीं सिट्रस के साथ। तो हम जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें क्लाइमेटिक चेंजेस और सिट्रस और बाकी फ्रूट्स के इनके जो आपस में इनके जो लिंक बनते हैं और आने वाले वक्त में जो है किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी क्लाइमेटिक चेंजेस से, सिट्रस फ्रूट्स लेमन लाइम्स किस तरह मुतासर होंगे और इनके सोल्यूशंस क्या होंगे, इस पे भी ये हमारे रिसर्चर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अलावा पेस्ट के हवाले से कैंकर का बहुत ज्यादा अटैक होता है, एचएलबी और सिट्रस सिल्ला, ये सिल्ला सारा साल खत्म होने में नहीं आता, एक तो खुद ये सकिंग इंसेक्ट है नोटोरियस किस्म का पौधों के, और सेल सैप को सक कर लेता है समझे उनका खून चूस लेता है, और दूसरा ये एचएलबी को फैलाने की वजह बनता है। तो इस हवाले से ये भी एक इन फ्यूचर आप कह सकते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस के रेस्पॉन्स में भी और वैसे भी ये 3-4 इसके बड़े चैलेंजेस हैं, सिट्रस कैंकर, एचएलबी और सिट्रस सिल्ला, इनको भी देखने और इन पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी या इसकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इसकी जो जैसे डॉक्टर साहब सप्लाई चेन और वैल्यू चेन की बात कर रहे थे, तो सिट्रस की तो चलें आप कह सकते हैं वैल्यू चेन जो है वो पाकिस्तान में डेवलप्ड है, लेकिन पार्टिकुलरली लेमन लाइम्स की जो है वो डेवलप नहीं है। जो मैंने शुरू में थोड़ा सा डाटा शो किया था कि एक्सपोर्ट हुआ तो वो इन लकड़ी की पेटों में लकड़ी की पेटियों में लीमू जैसे नॉर्मली पैक किए जाते हैं लोकल पैकिंग, तो वो इन्हीं ट्रकों में अफगानिस्तान जो है वो थोड़ी सी एक्सपोर्ट हुई, बाकी जैसे किन्नू एक्सपोर्ट होता है मुख्तलिफ ममालिक में उस तरह से जो है ये लेमन लाइम्स की एक्सपोर्ट नहीं होती। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी जो है एक्सपोर्ट के हवाले से वो हमें डेवलप करने की जरूरत है लेमन लाइम्स के हवाले से। तो इस तस्वीर में जो है आप देख सकते हैं कि ये मंडियों में और लोकल मार्केटों में
किस तरह का पैकिंग मटेरियल और कैसे लेमन लाइम्स को मार्केट किया जा सकता है। ये पहली तस्वीर में ये लकड़ी की पेटी है, साथ ये ओपन पड़े हुए हैं। जिस भी शॉप पे मंडी में चले जाएं तो आपको एक टोकरे में लीमू पड़े हुए नजर आते हैं। लोग किलो, 2 किलो, 5 किलो, जिसको जितने चाहिए वो खरीद लेता है। या जो सब्जियों वाले होते हैं वो 5 किलो का शॉपर ले जाते हैं और अपनी शॉप पे रोजाना जो है बस दो दो चार चार लीमू करके जो है वो बेचते रहते हैं। तो इसकी मार्केटिंग का जो है वो इसी तरह का ही, लेमन लाइम्स का इस वक्त तक तो यही निजाम है सेल होने का। तो बहरहाल इसमें अपॉर्चुनिटी जो है वो मौजूद है, एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है और लोकली इनके जो ड्राई प्रोडक्ट्स है ना, खास तौर पर ये टी वगैरह और स्लाइसेस इसके काट के और उनको खुश करके, इवन होल फ्रूट खुश करके या इनको ड्राई करके इनका पाउडर तैयार करके, तो ये इसके प्रोडक्ट्स जो है वो हो सकते हैं, इनके कोई काम हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली इम्पोर्टर्स की लिस्ट है। ये जो आपके सामने डाटा, ये 10 कंट्रीज का डाटा दिया गया है, तो ये पार्ट बी ही जो ये फिगर है ये शो की गई है, इसमें इम्पोर्टर्स का डाटा है। तो ये 10 बड़े इम्पोर्टर्स में और वो कितनी क्वांटिटी में इम्पोर्ट कर रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। यूएसए की इम्पोर्ट्स जो है वो 500,000 टन के करीब इनकी लेमन लाइम्स की इम्पोर्ट्स हैं। तो यूएसए, इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी मार्केट है जो जो बाकी मुल्कों से जो है लेमन लाइम्स को इम्पोर्ट करता है। इसके बाद जो है रशिया इम्पोर्ट करता है, फिर नीदरलैंड्स है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, इटली, पोलैंड, यूएई। तो ये 10 बड़े ममालिक हैं। ये जो आखिरी वाले 9 है ना, ये तकरीबन 100 to 200,000 टन जो है ये 9-10 ममालिक जो है ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इनमें ये यूएई और बाकी भी कुछ मुल्क ये हमसे ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाए तो इस अपॉर्चुनिटी को, ये 10 बड़े इम्पोर्टर हैं, तो हम भी लेमन लाइम्स प्रोड्यूस करके इन मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको इम्पोर्टर्स का डाटा शो किया है, तो ये बाकी मुल्कों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास होगा तो हमारा भी जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, इन्हीं में से कोई मुल्क हमसे भी खरीद लेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो है, अब थोड़ा सी इंफॉर्मेशन जो हमने या पर्सनली मैंने, कुछ थोड़ा सा हमारा काम था ये लेमन लाइम्स के हवाले से। तो ये 2017 में कैबी ने एक बुक पब्लिश की थी लाइम के हवाले से, दी लाइम बॉटनी प्रोडक्शन एंड यूजेस। इसमें हमने 2 चैप्टर जो है शेयर किए थे, एक एडवांसेस लाइम ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और एक हमने चैप्टर शेयर किया था प्रोपगेशन एंड नर्सरी सर्टिफिकेशन ऑफ ये लेमन लाइम्स की बात हो रही है। तो इस बुक में हमारे 2 चैप्टर हमने ये कंटिन्यू किया। इसके अलावा जो है ये एक हमने सर्वे किया था, मैंने पहले भी आपको बताया, तो पाकिस्तान में जो लेमन लाइम की एग्जाम जो है वो अवेलेबल थी उनको भी हमने डॉक्यूमेंट किया था। तो ये हमारी अपनी पर्सनली जो है थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन लेमन लाइम्स के हवाले से थी। तो इसी तरह बाकी लोग भी जो है इस पे कुछ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस पे अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च और अच्छा डाटा और इस पे बहुत ज्यादा मतलब चीजें अवेलेबल नहीं है, इसको फोकस करना चाहिए। पीएच डेक को भी इस पे देखें, इनके पास जो है आई थिंक फंड्स भी हैं, तो ये भी इस पे कोई अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, बाकी इदारों के साथ मिलके इस पे काम कर सकते हैं। और बाकी जितने भी रिसर्चर्स यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी लेमन लाइम्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक नेग्लेक्टेड फील्ड है। तो जो नेग्लेक्टेड फील्ड हो तो अगर कोई काम करना चाहे तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी होता है, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमें उसको कंसिडर करना चाहिए। फाइनली जनाब पीएच टेक टीम का, खास तौर पे जुल्करनैन साहब का और मोहतरम खावर साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये बड़े तवातर के साथ जो है हॉर्टिकल्चर के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे ये वेबिनार्स और ट्रेनिंग्स और फिजिकल एक्टिविटीज और काफी सारी एक्टिविटीज जो है ये मैनेज करते रहते हैं। और मैं तो आप समझता हूँ कि ये वेबिनार जो है ना पीएच टेक का ब्रांड ही हो गए हुए हैं, तो अब ये वेल नोन है और हर उस तमाम लोगों को पाकिस्तान में पता ही है इन एक्टिविटीज का और लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। तो मैं अपने डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें सपोर्ट भी करते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें इनक्रेज करते हैं। तो बस यही मेरी यही गुजारिशात थी, अब आपकी तरफ से हम फीडबैक सुनना चाहेंगे। आई थिंक प्रोफेसर नफीस साहब भी अवेलेबल, आई थिंक वो ज्वाइन कर चुके होंगे, और डॉक्टर बशारत साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर आहिल साहब जो हैं उन्हें थोड़ी देर पहले मैंने देखा है वो भी मौजूद थे। तो बाकी दोस्त भी, जितने भी सारे मोहतरम दोस्त मुख्तलिफ इदारों से यहाँ मौजूद हैं,
वो अपना अपना आप कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं, और आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लेमन लाइम्स के हवाले से शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करें। तो ये एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, तो हर कोई भी बंदा अकेले कुल नहीं होता, हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन हमसे बेहतर हो, तो आप लेमन लाइम्स के हवाले से अपना फीडबैक भी दें और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें। तो इधर एक्सपर्ट मेरे अलावा और भी काफ़ी सारे जो है एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद है, तो हम मिलजुल के आपकी क्वेरीज को भी जो है वो हैंडल करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली एंड टू एंड सारे इसके वैल्यू चेन और सप्लाई चेन को कवर किया है। ये बात आपने बिल्कुल सही इसका जिक्र किया, मैं भी जिक्र करना चाहूँगा कि आज के इस वेबिनार में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आज जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे गुजारिश है कि आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं चाहे जितने मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल को हल भी करें। तो प्लीज अपना हैंड रेज करते जाइए और सवालात का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। कोई भी रिलेटेड टू लेमन लाइम हो, रिलेटेड टू सिट्रस हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी फिदा हुसैन साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर? फिदा साहब आप सुन पा रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपके माइक में शायद कोई इशू है। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ऑन रजा आप बात करना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। थैंक यू सर। मैं दरअसल लाड़कानाग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो एक्चुअली सर, लेमन की बहुत ज़्यादा मार्केट है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है मलफार्मेस से, ग्रोवर्स से, लोकल जो हमारी कम्युनिटी है उससे, और बदकिस्मती से यहाँ पर काम भी नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपको दावा देना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं फील्ड में, तो आप लाड़काना में प्रोग्राम अरेंज करा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हमारी कैंपस है वहाँ पर, तो कैंपस ऑन द कैंपस आप हमारे एरिया विजिट करें, इस हवाले से ग्रोवर से जितना हो सके आप हमसे मिलकर उनको आगाही दें। और आप यकीन करें कि इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पर लाड़काना में, लाड़काना डिवीजन में, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में, तो इस हवाले से आप जो है उनको बता सकते हैं। और सबसे कैंसर जो डिजीज है, इस हवाले से भी लोगों को परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर सर जो बात की थी कि इतने ज़्यादा नहीं है कि हॉस्पिटल्स में है हमारे एच में, तो यहाँ पर चंद मैक्सिस गार्डन मौजूद हैं, जैसे 10 प्लांट भी हैं, 100 प्लांट भी हैं। तो इस हवाले से हम मेरा ये बिलीव है कि अगर हम इनको आगाही दें लाड़काना के अंदर से, तो आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ सकती है और लोग इनसे ज़्यादा जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया ऑन रजा साहब, आपके जो कमेंट है उसको हम वेलकम करेंगे। जब तक कि कोई फिजिकल एक्टिविटी वहां पे लाड़काना में नहीं हो जाती, तो आपसे भी गुजारिश है और लाड़काना के बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि आप इस तरह के वर्चुअल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। हम लोग तो रेगुलरली वेबिनार्स इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स भी इस तरह की इवेंट्स कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश होगी आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे साथ चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने एक्सपर्ट्स को साथ लेके वहाँ पे प्लान करें लाड़काना के अंदर, और लाड़काना की हॉर्टिकल्चर की जो बास्केट है उसको हम कोशिश करें कि वहाँ पर कोई अवेयरनेस का कोई सेशन हम लोग आप लोगों के लिए मुनक्कद करें। बहुत मेहरबानी जी। मकसूद अहमद साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम सलाम, जट साहब बोल रहे हैं सर। एक तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने बड़े अहम मौजू पर ये वेबिनार रखा और हमेशा रख भी रहे हैं। तो ये हमारे जो डॉक्टर साहब हैं अजहर नवाज साहब, उन्होंने भी और आपने भी बताया कि डाटा नहीं है लेमन का। ये मैं हमेशा पोटैटो के मामले में भी ये उनसे इतराज़ करता हूँ कि उनके डाटे सारे गलत हैं, मैं कभी उनसे नहीं करता। और ये ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है कि पूरे पंजाब में या मुल्क में एक अहम फसल है लेमन की, और उसका डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये पब्लिक ने तो नहीं इकट्ठा करना। दूसरा सर, ये मैं थोड़ा सा करूँ कि नौशहरो फिरोज डिस्ट्रिक्ट में
मोहब्बत अडेरों में बहुत अच्छे अच्छे बाग हैं लेमन के, 100 100 200 200 एकड़ के हैं। वो अब्दुल अब्दुल गफार डहराज साहब के हैं, और उसके साथ साथ काजी अहमद मोरो हैदराबाद, और इधर रहीम यार खान खानबेला सादकाबाद, इधर बड़े बाग हैं जब वो। ये कनाल कनाल करेगी दोनों कनाल नहीं है, अगर आप रब्ता करेंगे तो उनसे रब्ता बड़ी आसानी से हो सकेगा। मैंने तो वो देखे भी हुए हैं ना जी। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, लेकिन ये डाटा ना होना भी बड़ी अजीबो गरीब मुझे खबर लगी है। तो सलीमी साहब का भी बहुत अच्छा नुक्ता नजर है, और अजहर नवाज साहब ने बड़ी जामिया और बड़ी शानदार प्रेजेंटेशन दी है, उनको मुबारकबाद और आप लोगों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चौधरी मकसूद साहब, आप हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, और इसीलिए हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद करते रहते हैं। आपने भी जिक्र किया, डॉक्टर बशारत साहब ने भी जिक्र किया सादकाबाद, और साउथ पाकिस्तान के कुछ एरियाज के अंदर शायद बड़े बड़े बागात लगे हुए हैं, जिसके अंदर शायद कमर्शियल लेवल की प्रोडक्शन लेमन या लाइम की हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये सारे फिगर्स जो हैं, ये स्टेटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल अवेलेबल है उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि जब तक रेफरेंस ना हो तब तक हमारे लिए बात करना मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमने इस फोरम में सबसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस जिसके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो कुछ चीजें हमारे सामने। खावर जी साहब, जी खावर साहब, राहील साहब मौजूद हैं जरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज से, उनका कोई व्यू पॉइंट इस पे ले लें लेमन लाइम्स की कल्टीवेशन डाटा और इस हवाले से। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर राहील साहब अगर अवेलेबल हैं, सर, उन्होंने जरूर, ज्वाइन क्यों किया नहीं। हुआ, तो हमारे वो लिए अपना ऑनर, फीडबैक इस पे शेयर करें सर, डॉक्टर हमारे लिए राहील ऑनर साहब। की बात होगी अगर रहील साहब कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो। सर, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर रहील अनवार साहब, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ फोन थे, कर रहे मेरा हैं ख्याल अब वो ऑफलाइन हो गए हैं। खैर, वो जब ऑनलाइन होंगे तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो हमें ज्वाइन कर लें, तब तक हम सवाल ले लेते हैं। फिदा हुसैन चना साहब, सर आप बात करें प्लीज। पता नहीं आपकी हो रहा आप है यार, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। मैंने अनम्यूट किया। फिर म्यूट हो गए भाई आप। ठीक है, अब आ रही है आवाज। आवाज आ रही है जी। अब ये मेरा सवाल ये है भाई कि हमारे लारकाना यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, उसमें हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है मैनेजमेंट की नाअली की वजह से, हैक जी की तरफ से। ये आप मेरा क्वेश्चन नोटेड कीजिए। 2 सालों जी से जो 2 सालों से हमारे हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है, और जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है उसका जो इंटरेस्ट है हार्टिकल्चर के हवाले से, और उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स में भेज दिया जाता है, ये हार्टिकल्चर स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, उनके साथ ये नाअली हो रही है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्टिंग कंपनी से, और बिलखसूस जी चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, कि हमारी हेल्प की जाए। हैक के वालों ने ही बंद किया हुआ है मैनेजमेंट की नाअली वजह से। सो इस डिपार्टमेंट को ओपन किया जाए ताकि हम अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सके। फिदा साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। आवाज आ रहा आपने है भाई? जी, आवाज आ रहा है जी, आपका पॉइंट आ गया हमारे पास, आपकी मेहरबानी, आपने अपना कंसर्न हमारे साथ शेयर किया। लेकिन फिदा, ऐसा है कि ठीक हमारा है, मैंडेट नहीं है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज या एकेडेमिया के जो पर्सनल मामला हैं उनके अंदर इंटरफेयर करके उनको उनके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी, आप पढ़े लिखे वहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप जो रेलिवेंट फोरम है उनके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें। इंशाल्लाह जरूर आप लोगों का जो सदेबाब होगा वो हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए ठीक है, बेहतर रहनुमाई आपको जो हमारे एकेडमिया से हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर अजहर नवाज साहब से आप बाद में बात कर लीजिएगा। डॉक्टर रहील साहब हैं और बहुत सारे यहाँ पर मैं एक्सपर्ट्स देख रहा हूँ जिनका ताल्लुक एकेडमिया से है, वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे कि सही फोरम कौन सा है और किस तरह आपको इस मामले को प्रोसीड करना होगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। अबू बकर सद्दीक साहब, आप बात करना चाह रहे हैं?
अबू बकर सिद्दीक, आपको आवाज आ रही सर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, सर मैंने आपको एक बात बतानी थी कि मैं इधर MSc NR का स्टूडेंट हूँ पिशावर यूनिवर्सिटी से, और मैं इधर नर्सरी में भी काम करता हूँ, हाजी नर्सरी फार्म में। इधर सर वर्ल्ड बैंक वालों का एक प्रोग्राम था, उसमें तकरीबन 9,000 पिशावर बाड़ी के लिए लेमू था, लेकिन उसने जो वैरायटी सिलेक्ट की थी ना वो गलत थी, लजमन वाला। उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं है और वो जल्दी खराब हो जाते हैं, रफ लेमन। और वो इसका जमींदार को ये नुकसान भी है कि वो साल में एक मरतबा फ्रूट देता है, तो दूसरी दफा जब हम तिरा के लिए जखाखेल के लिए जो वैरायटी सिलेक्ट की वो यूरिका थी, वो सही थी, वो चाइना लिंबू जिसे कहते हैं, वो साल में 2 मरतबा फ्रूट देते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बड़े फार्म के लोग जो आपके साथ मिलते हैं उनको ये मशवरा दे दे कि जब भी आप वैरायटी सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी वैरायटी सिलेक्ट करें ताकि बाद में जमींदार के लिए फायदा हो। सलामुअलैकुम। डॉक्टर अजहर साहब, इसके ऊपर कमेंट करेंगे आप प्लीज? उन्होंने बताया कि एक वैरायटी हर साल फल देती है, साल में 2 बार देती है, और दूसरी वैरायटी जो है वो अल्टरनेट बेरिंग में जा रही है। इसके ऊपर आपको वैरायटल सिलेक्शन के ऊपर कोई कमेंट कर सकेंगे कि किस किस्म की वैरायटीज का इंतखाब करना चाहिए? इन्होंने शायद बताया कि चाइनी लीमू जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है इनके एरिया में। डॉक्टर अजहर साहब, आप सुन पा रहे हैं सर हमें? डॉक्टर बशारत साहब हैं हमारे साथ? डॉक्टर अजहर साहब का कोई कनेक्टिविटी का इशू है, जो ही वो ज्वाइन करेंगे हम लोग उनसे ये कमेंट ले। जी 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 खावर, जी खावर साहब, मैं जो आपकी कोई कम्युनिकेशन चल रही थी मैंने सुना नहीं, आप अगर आप रिपीट कर देंगे तो मैं फीडबैक देता हूँ। और मीन वाइल प्रोफेसर डॉक्टर नफीस साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंसेज IUB भावलपुर से वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम डॉक्टर साहब से भी फीडबैक लेंगे लेमन और लाइम्स के हवाले से। डॉक्टर साहब के पास एक सिट्रस का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी जो है वो मेरा ख्याल अब तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है, उसमें भी डॉक्टर साहब ने हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो है लेमन की काफ़ी सारी प्लांटेशन करवाई है, लेमन और लाइम्स की, तो हम डॉक्टर साहब से भी फीडबैक ले लेते हैं। मीन वाइल आप अगर मेरे से कोई स्पेसिफिक बात है तो वो कर लें, फिर डॉक्टर साहब को इन्वाइट कर लें। बस ये एक क्वेरी है, इसको एड्रेस कर दें, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के कमेंट हम लोग ले लेते वो हैं। ये क्वेरी ये है कि ये साहब अभी फरमा रहे थे कि उनके पास जो देसी लीमू है या जो लोकल जो वैरायटी है लाइम या लीमू की, उसकी जो अल्टरनेट बेरिंग का इशू है, एक साल फल देता है दूसरे साल नहीं देता, जबकि चाइनीज लेमन जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है और शायद साल में 2 बार वो बेहतर तरीके से फल दे रहा है। तो वो बताना ये चाह रहे थे या पूछना ये चाह रहे थे कि कौन सी ऐसी वैरायटी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, या वैरायटी का क्या रोल है प्रोडक्शन और रेगुलर बेयरिंग के ऊपर। इसके ऊपर आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अगर किसी बंदे ने नया नई काश्त करनी है तो उसको कौन सी लाइम या लेमन की वैरायटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे उसकी मार्केटिंग भी बेहतर हो सके और उसकी ऑल्टरनेट बेयरिंग वाले जो इश्यूज हैं, इस तरह के मसाइल का सामना भी ना उसे करना पड़े। जी शुक्रिया खावर साहब। मेरे ख्याल में ना देसी लाइम या जिसको हम कागजी लाइम कहते हैं, अगर जिसको देसी नींबू भी कहते हैं, ये अगर कोई भी बंदा लगा लेगा पंजाब में पाकिस्तान में, तो इसकी मार्केट विद इन कंट्री बड़ी स्टेबल है, उसे नुकसान नहीं होगा। हम पूरे वसूख के साथ जो है ये रिकमेंड कर सकते हैं कि कागजी लाइम या देसी नींबू जिसको हम कहते हैं वो लगाएं, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसके डॉक्टर अलावा अगर ये KPK वाली साइट पे जो है वो सिंगल सीडलेस लेमन डेराइस वाइल खान और उस KPK वाली साइड पे अगर वो लगाएंगे साहब, तो उधर उसकी मार्केट डेवलप हो चुकी हुई है और वो फिर अफगानिस्तान एक्सपोर्ट भी हो जाता है, तो उन एरियाज के लिए वो कागजी सिंगल सीडलेस लेमन जो है वो ठीक रहेगा। बाकी डॉक्टर बशारत साहब थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात की थी कि चाइनीज लाइम जो है मैं तो ये ये सारा कहूंगा, साल। मैं ये कहूंगा अदर साहब, देसी और ये कागजी लाइम में अगर ये कैंकर को बचा लेना तो उस जैसा फ्रूट ही कोई नहीं, वो बाहर भी बिकेगा इधर भी बिकेगा, बहुत पॉपुलर है, $2 का एक दाना बिकता है। लेकिन शर्त ये है कि चूंकि ये बड़ा ससेप्टिबल है टुवर्ड्स कैंकर, उसका अगर ख्याल रखें, इसकी नर्सरी का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा इसकी। लेकिन इसका एक और इशू भी है भाई, ये सीड से ज्यादातर होता है,
और सीड से जो प्रोडक्शन है वो बहुत लेट होती है, कमर्शियली वायबल प्रोडक्शन नहीं होती। तो इसको अगर ग्राफ्टिंग की तरफ जाए, इसका प्रॉपर रूट स्टॉक अच्छा हो, और तो फिर ये यकीनन बहुत अच्छी ये हमारे लिए एंटिटी हो सकती, कोई ऐसा इशू नहीं। बहुत तो ठीक है सर, ठीक शुक्रिया डॉक्टर साहब। है खावर साहब, जी डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपकी आपकी रहनुमाई हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है सर, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको यकीनन इससे बड़ा फायदा होगा। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था और इसके ऊपर आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको आंसर कर दिया। अब हमारे साथ जैसा डॉक्टर अजहर साहब ने फरमाया था कि डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब जो चेयरमैन हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर साइंसेज डिपार्टमेंट जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको मैं दावत दूंगा कि वो हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें, क्योंकि उन्होंने लेमन लाइम के ऊपर जैसा डॉक्टर अजहर साहब बता रहे थे कि काम किया है सिट्रस के ऊपर और लेमन लाइम के ऊपर। प्लीज आप अपनी जो एक्सपर्टीज हैं, जो कमेंट्स हैं, वो हमारे साथ शेयर करिएगा। जी डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर रहा हूँ। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का इस प्रोग्राम और इसके टॉपिक के हवाले से। डॉक्टर अजहर नवाज साहब, डॉक्टर बशारत अली सलीम साहब जो है बहुत अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं कोरोना आशीष का बेनिफिट। डेजिग्नेशन तो मैंने, हेलो जी सर आप जी कंटिन्यू डॉक्टर साहब रखें। बोले प्लीज। अच्छा, तो हमने जो है ना, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2020 में। हमने तकरीबन कोई 10 एकड़ के ऊपर जो है सिट्रस लगाया। उसमें हमने कम से कम कोशिश रखी है कि हम जो है ना ऑरेंजेस को यूज करें इस एरिया के लिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें थोड़ा सा एक एज मिलता है सदर्न पंजाब को, कि हम मैंड्रीन्स को, लेमन्स, लाइम्स को और ग्रेप फ्रूट जो है चकोतरा, इनको जो है ना अपने इस इलाके में प्रमोट करें। ये अच्छी इनकम दे सकते हैं, यील्ड अच्छी आती है, प्लांट की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहती है। और हमारे जो प्लांट्स हैं इस बार इंशाल्लाह कमर्शियल बेयरिंग तरफ आ गए हैं, और हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ना उनकी पिक्चर्स भी शेयर करेंगे। और डॉक्टर अजहर नवाज जो है, इस तरह डॉक्टर बशारत अली सलीम साहब ने हमारे उन ऑर्चर्ड को विजिट भी किया हुआ है। हमारा ये ऑर्चर्ड जो है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के ऊपर है, हाई डेंसिटी पे है। हमने कोई 500+ प्लांट लगाए हैं 1 एकड़ के लिए। तो नो डाउट ये जो विंडो है अच्छी विंडो है फॉर दी सप्लाई चेन के हवाले से, कि हम सिट्रस को सरगोधा और अपर पंजाब से इस तरफ लेके आ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इस तरफ सिट्रस लाने, खास तौर पर मैंड्रीन्स को लाने और लेमन लाइम्स को लाने में बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू मिल सकता है और मिल रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है क्वालिटी प्रोडक्शन का, इसके ऊपर हमारे ट्रायल जारी है कि हम किस तरह से क्वालिटी और इंटरनेशनल मार्केट और बड़ी मार्केट्स को टच कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ का किन्नू जो है वो लोग कंपैरिजन करते हैं, बताते हैं कि सरगोधा के कंपैरिजन में आता है, लेकिन अगेन सरगोधा जो कि हब है, उसको क्लाइमेट की बहुत बड़ी सपोर्ट है नेचुरली, तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी नो डाउट मिलती है। पिछले 2 साल पहले यहाँ पर अच्छी यील्ड का प्राइज भी विन किया है हमारे ग्रोवर ने, यजमान के ग्रोवर ने। तो चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हो रही हैं मौसम के साथ साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो है ना कम डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट के साथ इस इलाके को ज्यादा पोटेंशियल वाला समझते हैं टुवर्ड्स सिट्रस, इनके टुवर्ड्स खास तौर पर ये मैंड्रीन्स। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग जो एनजीओ सरगोधा में काम कर रही हैं, ये जो एनजीओ लाहौर साइड पे या अपर पंजाब में काम कर रही हैं, वो थोड़ा सा इस एरिया की तरफ फोकस करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम मिलकर जो है इसकी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लाइक टर्माइट्स का, क्योंकि सैंडी सॉइल है सारी की सारी, और हमें प्रॉब्लम आएगा आ रहा है कि हमें हीट शॉक्स के हवाले से, और बहुत ज़्यादा गर्मी में हमें थोड़ा सा हाइब्रिड इरिगेशन की तरफ जाना पड़ता है, और न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। लेटर ऑन हमारा फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर क्या क्या प्रोफाइल आएंगे हम आपसे शेयर भी करते रहेंगे।
और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहें इस सारे मामले में, और हम अपने ग्रोवर्स को एक अच्छा जो है इंफॉर्मेशन दे सकें, टेक्नोलॉजी दे सकें, और उनको मोटिवेट कर सकें कि वो इस एरिया में जो है ना सिट्रस को प्रमोट करें। जी पवन डॉक्टर साहब, नफीस साहब, डॉक्टर नफीस साहब, कल आप कल आप एक एक लेमन लाइम्स लेमन के लाइम। यूजेस के हवाले से बात कर रहे थे कि ये कहाँ कहाँ किस इंडस्ट्री में और कहाँ यूज हो हाँ सकते हैं, हाँ और हाँ सिंध के एक ग्रोवर है, वो बता रहे थे कि वो हमारे इलाके में यहाँ आए तो हमने ना लेमन लाइम जो है ना बहुत कम लगाए हुए थे, कम एरिया पे लगाए हुए, 2-3 एकड़ पे लगाए हुए। तो उन्होंने जब पूछे कि क्यों आपने कम एरिया पे लगाए हुए, मैंने उन्हें बताया कि मार्केट नहीं है पाकिस्तान में ना इतनी ज्यादा। तो वो बड़ा सर पकड़ के बैठ के कहने लगे, डॉक्टर साहब आप लोगों को पता नहीं है, पाकिस्तानी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो जितनी भी कॉस्मेटिक्स डिटर्जेंट्स हैं, ये सोप और सर्फ वगैरह जो बनाने वाले हैं, ये लेमन लाइम जो है लेमन ढूंढ रहे होते हैं, इनको मिलता नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, अल्टरनेट वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे हम उसका एक्सट्रैक्ट जूस जो है। आप सनी म्यूट हो गए, आपका ना माइक म्यूट हो गया ऊपर। जी जी ठीक हो गया, दोबारा बात हो रही है जी आ रही है आवाज। जी, आवाज आ रही है। तो वो कह रहे थे कि भाई इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, आप लोगों को मार्केट वालों को बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से इसका जूस निकाल कर उनको इजिएस्ट वे में विदाउट सीड जो है, सीड एक बड़ा हर्डल है, तो अदरवाइज इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान की। और मैं महसूस कह सकता हूँ बहुत सारे जो इस बिजनेस से लिंक्ड लोग हैं वो बाहर से जो है इस किस्म का कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मंगवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से मिलता नहीं है। पाकिस्तानियों ने तो हमने तो अभी तक इवन ऑरेंज और मैंडरिन की डॉक्टर जो साहब आवाज आपकी कम हो गई है, बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। डॉक्टर नफीस साहब आप सुन सकते हैं हमें? डॉक्टर नफीस साहब, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें ना, माइक ज़रा करीब कर लें, या कोई इस तरह का कोई इश्यू है? हेलो जी 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 अब आ रही है। आप बता रहे थे कि सीड का इशू है और इसका जो हाँ, तो वो बता रहे थे कि इन इश्यूज की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कहीं और से या अल्टरनेट केमिकल्स यूज करके अपने डिटर्जेंट्स को प्रिपेयर कर रहा है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा इंडस्ट्री के साथ और ये जो दरमियान में ब्रिज है हमारे दरमियान आप जैसे लोगों का, इनके साथ मिलके अगर आप लोग काम करें तो किन्नू अल्टरनेट बेरिंग के हवाले से जो इश्यूज लिए बैठा हुआ है और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो हम इन क्रॉप से जा सकते हैं, हमारे फार्मर्स को अच्छा बिजनेस मिल सकता है इनसे, अगर हम जो है थोड़ा सा पॉलिसी को रिवाइव करते हुए चलें तो हमें इन लेमन लाइन में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। तो आप लोग ज़रा ज़रा एरिए पे लगाएं, मतलब सिंध की वो मिसाल दे रहा था कि एक फार्मर है उसके पास तकरीबन 1 मरबे से ज़्यादा लेमन लगा हुआ है, और वो हर साल जो है सारा का सारा खुद ही यूज कर लेता है उसका जूस अपनी जो है ना वो इंडस्ट्री के हवाले से। डॉक्टर नफीस साहब, मेरी गुजारिश है कि आप तो कम से कम उसको लाइम कहें जो सिंध में लगा हुआ है। सॉरी, सॉरी सर, कागजी लाइम है वो, कागजी लाइम लगा हुआ है। जी 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 तो वो कह रहे हैं कि सिंध में तो हम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, आप लोग जो है ना जो ये वाला एरिया हमारा जो हॉट टाइप का ये एरिया है यहाँ पे लगाएं और इसकी मार्केट डेफिनेटली बनेगी, बिल्ट होगी और आप लोगों के तामुन से ही होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीस साहब, आपकी मेहरबानी, आपने बड़े फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। यकीनन हमारे स्टेक होल्डर्स इन चीज़ों को नोट करके इसका जो वे फॉरवर्ड होगा वो तय करेंगे। सैयद कामिल शाह हॉर्टिकल्चर, सर आप बात करना चाह रहे हैं? सैयद कामिल शाह साहब NARC से सर आप बात करना चाह रहे हैं? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी हमें, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें प्लीज़, ताकि हम लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा सकें। किसी का भी सवाल है आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर हैंड रेज नहीं कर नहीं सर, सकते। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सर। सलीम शेख साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं? सर जी, खावर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने इस पे काफ़ी आपको इंसिस्ट किया था कि ये सिट्रस पे होना चाहिए, वंस अगेन थैंक यू। आज का जो था बेसिकली इट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू सिट्रस।
आई वुड रिक्वेस्ट यू के नेक्स्ट जो है थोड़ा टेक्निकल होना चाहिए, जिसमें केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ये जो सिट्रस ऑर्चर्ड है, नॉट सॉरी सिट्रस ऑर्चर्ड, लेमन ऑर्चर्ड, बिकॉज हम बात कर रहे हैं लेमन्स की, इस पे ज़रा लाइक फर्टिलाइजर जो है कब और किस तरह देना चाहिए, क्या उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए ट्री की टू चेक आउट दी पेस्ट्स एंड ऑल दैट, इसका पेस्टिसाइड कब स्प्रे करना चाहिए, इरिगेशन जो है ना वो कब कब होनी चाहिए, ये ज़रा जो है इंशाल्लाह वो करेंगे। जी जी सलीम साहब, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इवेंट लेमन और लाइम का करेंगे उसके अंदर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जो नीटिग्रिटीज़ हैं कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कब कब डालना है, पेस्ट कौन से हैं, उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका जो अटैक है और उसको उसके कंट्रोल मेजर्स, फिर डिजीजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं उनके कंट्रोल मेजर्स, फिर फ्रूट बेयरिंग के टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट अपने वेबिनार के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आई होप के वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई और किसी का कोई सवाल, कोई कॉमेंट या कोई कोई आपने कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो लेमन लाइन के रिलेटेड तो प्लीज़ आप शेयर करें ताकि हम लोग फिर कंक्लूड करें। मेरा ख्याल कोई और क्वेश्चन नहीं है। मेरे साथ हमारे साथ हमारे CEO अथर खोखर साहब अवेलेबल हैं, मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस सेशन के ऊपर अपने रिमार्क्स दें और जो हॉर्टिकल्चर हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का जो मैंडेट है उसके ऊपर आप लोगों के साथ अपने ख्याल का इजहार करें। थैंक यू फादर, बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया है, आई वाज इन अनदर मीटिंग। जो आज का टॉपिक था, जैसे अभी खबर ने बताया, शेख साहब ने हमें जो है ना ये पॉइंट आउट पहले भी किया था कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है हमारी लेमन जो है ना हॉर्टिकल्चर, इस पे एंड गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उस पर होना चाहिए। इसमें हम एक एस्पेक्ट और एड ऑन करना चाह रहे थे, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल और हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। एक्सपोर्ट हमारा लेमन का हो रहा है लेकिन बहुत निगलिजिबल है, ना होने के बराबर, लेकिन हमें थोड़ी कोशिश ये करनी है कि इसको किस तरीके से हम जो है इसका जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं स्पेशली विद द एक्सपोर्ट रेलिवेंट, उसको हम एड्रेस कर सकें। खबर आज की मीटिंग में कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ है सप्लाई चेन का विद रेलिवेंट द एक्सपोर्ट और किसी मार्केट के बारे में, तो अगर आप मुझे बता दें उसको रिपीट कर लें। सर फिल वक्त तो बेसिकली सप्लाई चेन के इश्यूज का जिक्र हुआ है, थोड़ी सी एक्सपोर्ट हमारी जो नज़र आ रही है बेसिकली, पहले तो इसकी ग्रोथ है स्कैटर्ड सारी कल्टीवेशन ना, तो हमने पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो हमारे साथ चीज़ें शेयर करें, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ भी गई है क्योंकि ऑफिशियल डेटा में हमारे पास प्रोडक्शन नज़र नहीं आ रही, तो सप्लाई चेन के रिलेटेड इशूज़ हैं वो हमने नोट कर लिए हैं, हम अपने अगले इवेंट्स के अंदर उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट एक्सपोर्टेबल हैं हम उन सबको टच करें, उनके जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो आपके साथ शेयर करें, और दूसरा इनका जो लिंकेज है विद द एक्सपोर्ट वो भी आपके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जुड़े रहें हमारे साथ, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो है इससे रिलेवेंट और हम टॉपिक पे करें। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज के सेशन को कंक्लूड करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूं डॉक्टर मोहम्मद अज़र नवाज़ साहब का, डॉक्टर मोहम्मद नफीस साहब का, डॉक्टर बशारत साहब का, डॉक्टर रहील अनवार साहब का। आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की। कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हैं, उन क्वेरीज को सामने रखते हुए हम अपने अपकमिंग जो एक्टिविटीज़ होंगी रिगार्डिंग लेमन और लाइम खासतौर पर, इनके ऊपर हम अपने वेबिनार्स का जो पूरा का पूरा लेआउट होगा, जो एजेंडा होगा, वो हम प्लान करके आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई लेमन लाइम के रिलेटेड कोई सप्लाई चेन के अंदर को आपके आपको लग रहा है कि हम कहीं पे इंटरवीन करके आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड आपको कोई कहीं पे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट्स नज़र आ रही हैं हमारी लेमन और लाइम की, गो के बहुत माइन्यूट सी हैं, इसका ताल्लुक बहुत गहरा, जिस तरह डॉक्टर अज़र साहब ने भी बताया, डॉक्टर बशारत साहब ने भी बताया कि प्रोडक्शन के साथ है, जब तक हमारे पास कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होगी तब तक हम एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते, या इसको वाइस वर्सा देखें, जिस तरह हमारे CEO साहब अक्सर फरमाया करते हैं कि जब तक एक्सपोर्ट्स की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे तब तक पीछे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। तो जो करंट सिनेरियो है सिट्रस का, किनू के अंदर बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, उसके अंदर क्वालिटी के बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले 2-3 सालों से कुछ कम हो गई हैं।
तो हमें ऑल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर सोचना और देखना पड़ेगा। तो ये लेमन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेमन के रेट्स प्राइसेस लोकल मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छे हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर बिशारत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये $2 पर पीस के हिसाब से भी शायद किसी मार्केट के अंदर बिक रहा है। तो इन अपॉर्चुनिटीज को सामने रखते हुए हमें थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। हमारे पास वसाइल है, हमारे पास सॉइल है, हमारे पास इरिगेशन वाटर है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मौजूद है, लेकिन ज़रूरत है समझने की, इन चीज़ों की अवेयरनेस लेने की कि एक्चुअली लेमन और लाइम को की बेहतर काश्त के लिए हमें किन अवामल के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिस तरह अभी शेख साहब ने भी फरमाया, शेख सलीम सराब साहब ने, जिनकी सजेशन पे हम लोगों ने आज का इवेंट भी किया था, और जिस तरह उन्होंने बताया कि हमें पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की अगर समझ आ जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फार्मर अपनी अर्निंग को डबल भी कर सकते हैं और सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। जो मेजर डिजीजेज हैं, जो मेजर पेस्ट हैं, जो मेजर मेजर शॉर्टकमिंग्स हैं, उनका आपने ख्याल रखना है और एक्सपर्ट्स की रहनुमाई में आपने उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना है। उसी की बदौलत आप अपनी यील्ड को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को भी बेहतर कर सकते हैं। मैं आज इस इवेंट को कंक्लूड करूंगा। इस इवेंट की, आज के वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ देर के बाद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर किसी का कोई कंसर्न, कोई चीज मिस कर दी हो तो आप वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो लेमन और लाइम के ऊपर हम इवेंट करेंगे वो इसकी खालिस्तान प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज अनकवर हुई हैं, हमें समझ आ गई है कि इसका पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, हमने सिर्फ लोगों को ये गाइड करना है कि इसकी एंड टू एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कैसे समझना है और अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट की जो प्लानिंग है वो भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर देंगे। आप हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, खासतौर पर फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, हमारा वेबसाइट है, आपको अगर आप विजिट करते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हैं उनके ऊपर जो हमारी एक्टिविटीज होगी उनके ऊपर आपको मिलती रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी, आप लोगों का कोई भी इसके ऊपर कोई प्रपोजल हो तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम लोग उसको अपना वे फॉरवर्ड प्लान कर सकें। और लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है वो अपने नंबर अपने हमारे चैट शेयर कर दें, ताकि हम लोग उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह अगले इवेंट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।